सब देश के उड़े उड़े आब चिड़िया सब देश के रविकेश जी का और रेखा जी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। एक गीत तो एक वजह होती है कि हमारी एक अपनी इनर जर्नी होती है, जो अंतर यात्रा है वो उसके थ्रू होती है, लेकिन उस प्रोसेस जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मतलब मैटर करती है। गाने का जो आउटकम है वो उस पर ही निर्भर करता है। जिनको आप सुनते हैं वो, जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ अगर काम करने का फैन बॉय मोमेंट था मेरे लिए। तो ये मतलब इनको सुना है और इनके साथ खड़े हैं, मैं उस दिन गा भी नहीं पाया था, तो अगले दिन रिकॉर्ड किया था मैं। तो ये वैसी वाली बात है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वर यू नर्वस एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ। पर ऐसा दिखाई नहीं दिया ना लगता, और मुझे लगता है कि वो एक आपकी प्यार है अंदर से, और आप जो हमें इज्जत देते हैं गाने से, प्यार करते हैं, इसलिए वो इज्जत में ये वाली बात है, क्योंकि वो संस्कार है। वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी एक कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, वो आपको ज़रूर फील होगी। वो मुझे बस मुझे लगता है मेरी भी स्माइल उतनी कंटेजियस है जितनी रविकेश की है। अगर आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें इट्स ऑल्सो प्योर ऑर्गेनिक एंड इट जस्ट हैपन्ड, क्योंकि वो गाने की अपनी एक एनर्जी है। फिर जब मैंने उस गाने के पीछे की पृष्ठभूमि या कहानी सुनी कि वो गाना कैसे उपजा, कैसे इनके बचपन से वो गाना है, कैसे सरप्राइज प्लान किया गया है इनकी दीदी के लिए, और इनकी दादी नानी गाती थी, और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं थोड़ा अपनी कम्फर्ट जोन से ऊंचा मैंने गाया है, और उसकी वजह रविकेश और आशीष हैं कि दे पुश्ड मी एंड दे मेड मी डू दिस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और इसका टाइटल कितना खूबसूरत है, पहले मुझे लगा स्वामी जी गाने का टाइटल है, तो कुछ ये गाना शायद स्वामी जी मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, बट व्हेन ही टोल्ड मी, अब जो कि हमारी संस्कृति में एक्चुअली है कि आपका जो हस्बैंड है आप उसको स्वामी मानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है। ये एनर्जी जिसको छुएगी बस वो उस एनर्जी में ज़रूर नहाएगा, और उसमें ज़रूर वो क्या कहेंगे कि लिपट के बहुत इंजॉय करेगा, बिकॉज इट्स अ बहुत सेलिब्रेशन वाला गाना है ये। केना कटते पूरा साल, फोक सॉन्ग सेलिब्रेशन का भी होता है, तो उसमें एक कहीं मेलनकलिक एक इमोशन होता है, एक थोड़ा सा पथोस होता है, एक जो मोनोटनी होती है हमारे जो रूरल लाइफ की मोनोटनी है, वो मोनोटनी में जब म्यूज़िक उपजता है या गाना उपजता है उसमें एक हल्की सी कहीं लॉन्गिंग होती है, जो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो बनाने वाला ऊपर वाला उस तक पहुँचने की है, तो वो भी इसमें है। क्योंकि अभी ये गाना जो है वो स्वामी जी से मिलने और उसके इंतज़ार की बात भी है उसमें, तो बहुत खूबसूरत है। ओहो, क्या मज़ेदार है यार, बहुत बढ़िया किया, क्या ट्रैक बनाया है, उफ क्या एनर्जी है, मतलब वो पूरा गाने को ऐसा जस्टिफाई किया है ना, लिरिक्स कॉम्पोजिशन एवरीथिंग, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार, क्या एनर्जी है। ये गाना लिखा है रविशेक ने, गाना कंपोज करना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, तो डिफ़िकल्टी तो कुछ मुझे नहीं समझ में आई। ये म्यूज़िक करने का जो डिसीज़न है, साथ काम करने का जो डिसीज़न है, ये इतनी प्यारी बात है ना कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं समझ में आती, मुझे तो नहीं आई है आज तक। मतलब लोग कहते हैं मतलब कि काम से छुट्टी लेने वाली बात, मुझे अभी तक तो नहीं समझ में आई, मुझे लगता है यही छुट्टी है, यही करना तो चाहते हैं सच में। आई फील वी आर ब्लेस्ड के हम इससे रोजी रोटी भी कमा पा रहे हैं और हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऊपर वाला आपको चुनता है और आपको वो नेमत, आपको वो ब्लेसिंग देता है, आपको नवाजता है उससे।
भेजी दिल खिन छुटका भाई, कैसे कही आए जी के हाल। सबसे पहले तो बताऊं कि गाने को शूट जो है वो सुखेंद्र पाल ने डायरेक्ट किया है, किया है। तो ये जो भी जितना भी ऑर्गेनिक लग रहा है इसने हमें फील नहीं होने दिया कि ये कुछ शूट कर रहा है। और रही बात रेखा जी के साथ अनुभव कैसा रहा, अभी भी फीलिंग ही है, अनुभव बना नहीं है, तो मतलब अभी जी ही रहे हैं इस बात को और ब्लेस महसूस करता हूँ, तो लकी महसूस करता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आके जो है पहले अपनी चीज़ों को समझते हैं, कैसे गाना है, ये शब्द कैसा है। और मैं दावे से कहता हूँ मैं भागलपुर का हूँ, वहाँ पे ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ के लोग भी जब सुनेंगे तो मतलब कहेंगे नहीं कि तो यहीं की कोई है जिसने स्वामी जी गाना जो है, आप इसको किस तरह से अपने आप से कनेक्ट करते हैं? मतलब मुझे कनेक्ट करने के लिए तो ढूंढने की जरूरत है, 31 साल से स्वामी जी हैं मेरे। और ये होता है कि जो जर्नी है, आप एक इंसान को प्यार करते हैं, आप सब भी हैं, तो जब सूफियाना कलाम गाना शुरू किया वहाँ से एक अलग शुरू हुई जिंदगी की जर्नी, वहाँ ये सीखा कि अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें अपने आप होती हैं, लेकिन सब खामियों के साथ हूँ ये आपको कहना चाहती हूँ, सब बुराइयों के साथ हूँ, मेरे अंदर भी वही इमोशंस है लेकिन उन पे निरंतर काम करती रहती हूँ। और ये फिर कहूँगी कि ये खुशकिस्मती है कि हमें सच में ब्लेस्ड है कि ये काम कर पा रहे हैं और काम मिल रहा है करने के लिए, बहुत शुक्रिया। दो लाइन इस गाने की साथ में अगर थोड़ा सा गुनगुना सके, हम सब गुनगुनाएंगे। अपनोने आवे स्वामी जी चिट्ठियों ने भेजे, अपनोने आवे स्वामी जी चिट्ठियों ने भेजे, भेजी दिल किन छुटका भाई, भेजी दिल किन छुटका भाई, कैसे कहिए जी